दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएं कि आप कैसे गूगल क्रोम को परमानेंट या टेम्प्रोरी डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सवाल उठेगा आपके मन में कि क्रोम को हम क्यों डिलीट करें। बेसिकली आपको मालूम होगा गूगल क्रोम वन ऑफ द बेस्ट प्री स्टोर ब्राउजर होते हैं और इसमें बहुत सिक्योर मानते हैं क्योंकि ये गूगल की तरफ से लाया जाता है, लेकिन इससे आखिर हमें अनइंस्टॉल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, मैं स्पेशली फ्री फायर, पबजी एंड अदर गेम्स का टॉप अप या फिर यूसी देता हूँ, यानी कि उसका करता हूँ इसका काम। तो हम जब इसको अगर मैं अपने इस फोन को अगर हम पबजी ओपन करके दिखाएं, तो यहाँ पे जब लॉगिन करते हो, ध्यान रखना लॉगिन एक आईडी, आप फ्री फायर हो तो फ्री फायर जो भी आप यूज करते हो, लॉगिन जब करते हो तो एक अकाउंट को यूज करते हो, ठीक है चलो चलता है, लेकिन अगर दूसरे अकाउंट यूज करे होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड हमारा बीजीएमआई और राइट साइड हमारा फ्री फायर। अब देखो यहाँ जरूरत क्या पड़ता है, हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं फेसबुक लॉगिन की, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है मुझे अलग अलग, तो यहाँ पे ख्याल रखना अगर उसी डिस्प्ले पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो समझना आपका वो गेम के अंदर, अगर वो रोटेट कर दे रहा है डिस्प्ले, ये रोटेट होकर फेसबुक लॉगिन आ गया एंड यहाँ रूटेड होके भी लॉगिन आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जो लॉगिन करते हो वो क्रोम ब्राउजर से लॉगिन। तो यहाँ पर तीन टैप करोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तीन टैप करने के बाद ओपन इन ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, जो खोलेंगे अगर तो आपका क्रोम खुल जाता है यहाँ पे गूगल क्रोम। तो इसमें क्या होता है कि लॉगिन आपका गेम में तो होता है लेकिन साथ ही साथ क्रोम ब्राउजर पे हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर आप लॉगिन कर जाते हो ना तो क्या होता है कि आपका वही अकाउंट खुल जाता है, आपको भी इस क्रोम से वहाँ पे फिर लॉगआउट करो फिर नया अकाउंट खोल दो। हम चाहते हैं ऐसा है कि हम बस एक टैप करें लॉगिन हो जाए, लॉगआउट करें परमानेंट लॉगआउट हो जाए, यहाँ पे लॉगिन सेफ ना रहे। अब इसको सेफ ना रहे रखने के लिए हम क्या कर सकते, तो हम अपने क्रोम ब्राउजर को डिलीट डिसेबल जो हो सकता है वो कर सकते हैं फोन में, उसको करने का किस प्रकार दिखेगा चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे सामने जो आईडी हमने जो ओपन किया है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक और लॉगिन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर या स्क्रीन रोटेट नहीं होगा, डायरेक्टली सामने खुला, क्यों, क्योंकि मैंने इसके क्रोम को हटा रखा है। ठीक है, अब चलिए हम क्रोम को कैसे हटाएंगे, सिंपल आईडी पासवर्ड डालोगे यहीं से लोग, सिर्फ यहाँ लॉगिन होगा, यहाँ से लॉगआउट करोगे गेम से आप लॉगआउट हो जाओगे। इसका फायदा ये होगा ना कि आपका आईडी को हैक नहीं कर सकता या फिर आपका दोबारा जहाँ से आप लॉगिन किए वहाँ कोई दोबारा बिना पासवर्ड का खोल नहीं सकता आईडी एंड पासवर्ड का। अब कैसे करना इसी को ध्यान दीजिएगा जरा, आपका इसका दो तरीका है। देखो ये जो हम डिलीट करेंगे ये परमानेंटली नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है, इसे आप दोबारा फिर मंगा सकते हो। कैसे मंगाएंगे एंड से बने बने स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग खोल लेना है। देखो बहुत सारे फ़ोन में हो सकता है ये सपोर्ट ना करे जो चीज़ मैं बताऊँ, और नहीं होगा तो उसका अलग प्रोसेस है, लेकिन जिसमें होता है उनके लिए जान लें। आपको यहाँ पे अपने फ़ोन आप जो भी कंपनी यूज़ कर रहे हो, रेडमी हो, रियलमी हो, एमआई हो, जो भी हो, आप वहाँ पे जाना आपको एप्लीकेशन के अंदर। मेरे पास जो फ़ोन है अभी ये आईटेल कंपनी का है, तो यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है तो सी डेट यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन अंदर चला गया। यहाँ पे आपको जितने भी शो ऑल एप्लीकेशन कर सकते हो, अगर आपको क्रोम ब्राउजर ना शो करे तो शो सिस्टम ऐप भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑल ऐप आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ढूंढना है गूगल क्रोम, तो यहाँ क्रोम हमें मिल गया, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ध्यान देना आपको डिसेबल या अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन शो करना चाहिए। अनइंस्टॉल अपडेट पहले क्लिक करो, अगर डिसेबल आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर दो, आपका ये टेम्प्रोरी डिसेबल हो जाएगा। फिर से आपको इनेबल करना है तो आप क्रोम पे सेटिंग में जाके या सर्च करके ऐप सेटिंग या एप्लीकेशन अंदर डिसेबल या शो सिस्टम करके फिर से लाके से इनेबल कर लोगे, हमारा क्रोम पहले की तरह हो जाएगा। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास ये Redmi 4 मोबाइल है, ठीक, जब आपका डिसेबल हो जाए आप नॉर्मली जैसे मैं बताया था सेकंड वाला स्टेप्स नॉर्मली ब्राउजर गेम के अंदर ही खुलेगा, वहाँ से लॉगआउट हो लॉगआउट हो जाए, आपको कहीं से डाटा सेव नहीं होगा। इसमें अगर सेटिंग के अंदर इसके हम जाके अगर बताएं अगर इसके कि क्रोम के अंदर क्या दिख रहा है, उसमें हमें डिसेबल देखने को मिल गया था हमारे इस Redmi 4 मोबाइल के अंदर। जहाँ पे आप अगर इसके सेटिंग खोजोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज ऐप के अंदर, ऐप सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिसेबल का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है, डिसेबल आपका हाइट ही नहीं होगा, क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे फ़ोन जिसमें आपको
अ प्रोफेशनल गेम टॉप अप रिडीम कोड के यूज करते हैं, तो ऐसे फोन जिसमें ऑप्शन है ही नहीं डिसेबल करने का, इसको रूट करके आप कर सकते हो। तो रूट फोन को कैसे किया जाता है, लॉट ऑफ मोर वीडियो आपको यूट्यूब पे आपके डिवाइस के मिल जाएंगे, देख लेना रूट करने के क्या फायदे है, नुकसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देख लेना। अगर आपके पास फोन है जिसपे आप नॉर्मली गेमिंग का ही चीज करते हो और ऐसा इशू आ रहा है, मैं कहूंगा उसे रूट कर। रूट कैसे, रूट करने के बाद रूट आपका फोन हो चुका है, उसके बाद आप कैसे रूट करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने फोन को रूट कर दिया है। एडम इसे वेरीफाई रूट करके दिखा दे कि रूट है या नहीं, तो देख सकते यहाँ पे रूट स्टेटस चेक किया जा रहा है। एंड यहाँ पे कौन रूट एक्सेस प्रॉपर्टी मेरा रूट है। अब क्या करना है, प्ले स्टोर से कोई भी एक रूटेड अनइंस्टॉल करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है अनइंस्टॉलर रूट अनइंस्टॉलर करके, यहाँ पे आपको दिख सकता है एप्लीकेशन इसके अंदर। अब इसके असल क्या होता है, मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन है इंटरनल एप्लीकेशन जो डिसेबल नहीं होते, जो प्री इंस्टॉल आते हैं उन सब को लेकिन फोन रूट होना चाहिए अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया। एंड यार ढूंढेंगे हम गूगल क्रोम को, हमारे क्रोम यहाँ पे दिख, क्रोम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन है। हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल से कोई सुने, हमें डिसेबल करना था। हम यहाँ पे ऊपर डिसेबल दिख रहा ऑप्शन, हम डिसेबल पे टैप कर देंगे। हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे इसे, ओके करेंगे, हमारा यहाँ पे डिसेबल हो गया है। आपको कैसे अगर दोबारा इसे चाहिए इनेबल करना है तो कैसे करेंगे, अगर इसके थ्रू नहीं तो सिंपली आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो क्रोम एंड यहाँ पे इनेबल दिख जाए। अब डिसेबल करने आप गेम खोल के देखेंगे, चाहे वो फ्री फायर हो BGMI, तो यहाँ पे देख सकते हमारा गेम ओपन हो गया। और हम क्लिक करें अगर फेसबुक लॉगिन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन का जो प्रोसेस ले रहा है एंड लॉगिन जो हो रहा है ब्राउजर लॉगिन यहीं पे हो रहा है, हमारा क्रोम नहीं खुल रहा है। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट लॉगिन करो, लॉगआउट करो, आपका आईडी हट जाएगा, आपका आईडी को मल्टीपल अकाउंट एक्सेस कर सकते हो इजीली। और मैं कहूँगा आपके मोबाइल में देख लो जो मोबाइल वर्क करा ठीक है, नहीं करा अगर मोबाइल स्पेशली आप गेमिंग का ही काम करते हो तो रूट कर दो। मेरे सजेशन है अगर रूट खराब रहता है तो आप जैसे ही अपने हैंडल करो यहाँ से लॉगिन करो, फिर क्रोम से लॉगआउट करो दोनों, फिर लॉगिन करना हो, लॉन्ग प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस चाहिए। अगर गूगल क्रोम को डिलीट अनइंस्टॉल करना है तो आप मेरी इस प्रोसेस को, दोनों ट्रिक में बताया, जेन्युइन रूटेड अनरूटेड, दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हो। तो ये था प्रोसेस गूगल क्रोम को परमानेंट या टेम्प्रोरी अनइंस्टॉल डिसेबल कैसे करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो देखने के बाद इसे अनइंस्टॉल परमानेंट डिलीट क्यों करें और करना है तो किस प्रकार करें वीडियो देख के समझ आ गया होगा। अगर आप प्रोफेशनल रिडीम कोड कैसे यूज किया जाता है या फिर आप खुद के फ्री फायर पबजी समय रिडीम कोड कैसे परचेस करें, कहाँ से कर जो अच्छा कैशबैक मिल जाए एंड रिडीम कोड कैसे यूज करें, कब एक्सपायर होता है ETC की रेट जाइए, तो मेरे गेमिंग चैनल पर ऊपर मैंने ऑलरेडी सबके ऊपर वीडियो डाल रखा सेपरेट, आप वहाँ पे इसे चेकआउट जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या इन डिस्क्रिप्शन वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को एक लाइक दे, वीडियो कुछ आपके लिए प्रॉब्लम पड़ता अभी भी बनी हुई नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा। चैनल नए पहली बार आए हो ऐसे ही नॉलेजबल टेक्नोलॉजी फैक्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं और मिलने वाली नहीं है पूरे यूट्यूब पे। तो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।